दिल्ली विश्वविद्यालय अब तक जो अपने अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए CBSE हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, स्टेट का बोर्ड हो, उनके मार्क्स को फेस वैल्यू पर लेता रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स में ज़रूर एंट्रेंस एग्जाम होता रहा है, और जो PG के कोर्सेज हैं, MPhil के कोर्सेज हैं, PhD के कोर्सेज हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता रहा है। और इसमें कोरोना काल में कोई भी तत्काल फेरबदल बहुत अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें कई चीज़ों के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। देखिए, हमारे कई सारे कोर्सेज हैं, लोग एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं, कोर्स चेंज करते हैं, और एक कई सालों के अंतराल के बाद ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जिसके तहत हमारा एडमिशन का पॉलिसी डेवलप किया है। हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट है 1922, उसके तहत जो एकेडमिक काउंसिल है और कॉलेजों में जो स्टाफ काउंसिल है, उनको एडमिशन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है इस एडमिशन में, ना कोई चीज़ छुपाई जा सकती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इंक्लूसिव है, और समाज के किसी भी वर्ग के छात्र यहाँ पर आकर के बिल्कुल आसानी से अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जो CBSE का फॉर्मूला आ रहा है, उसके कारण हमें एंट्रेंस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, यहीं पर डिसीजन होना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर थोपा जाना चाहिए। अगर कोई सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो वो देखिए, हम ये रिसर्च स्टडीज़ ने हमें बताया है कि ये प्रो अपर कास्ट बायस होता है, प्रो अपर क्लास बायस होता है, कोचिंग को बढ़ावा मिलता है, जो लोग साधन संपन्न होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, तो जो छात्र गरीब वर्ग से आते हैं, सुदूर इलाके से आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से या जम्मू कश्मीर से, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम आने से मुश्किल होगा। तो इसलिए इस पर यूनिवर्सिटी के अंदर विचार विमर्श होना चाहिए, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, ना कि कोई प्रोसेस हमारे ऊपर थोपा जाना चाहिए।